आपकी बाहरी बिहारी भागना पड़ेगा तो नहीं होगा। जब तक हम इनके अपन जमीन के सुरक्षित नहीं रखते, हम इनका व्यवस्था नहीं बची, तो हम इनका आदिवासी का अस्तित्व नहीं बची। सेल हम इनके वर्तमान समय में क्या करे थे, जहाँ जहाँ पर हमें जमीन है उपहार के समझाना है। काले की वर्तमान समय में एक समय ऐसा ना लगे जब जमीन का सर्वे हो, जो प्रधान उस जमीन में खेती बाड़ी करते रहे तो जमीन उकर नाम से गलत तो अपने आप के मालिक सोचने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना भी पारंपरिक व्यवस्था का पद है उसके गांव वाला मिल के बना है, और जितना व्यवस्था का रूप में उसके जमीन देवल जाए है वो गांव वाला का जमीन है। इसे समझना है हम इनके, तभी हम यहाँ पर पुरखा मतलब बनाल व्यवस्था के आगे बढ़ाए पा रहा। तो अपने मन से आग्रह है कि हम इनके संकल्प लेना है कि हम इन महान अगुआवन का छुआवन है, जे मन इतना सुंदर व्यवस्था बना के दिले कि किसी भी जनजाति में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म के मानने वाला भी इस तरह का व्यवस्था नहीं है, है कि नहीं है। तो आज हम इनके समझना है, और आज हम अगर धर्म कर बात करें तो धर्म का मतलब क्या है। धर्म तो कई तरह का रहेगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत तरह का धर्म है। लेकिन धर्म का असली परिभाषा क्या है, जे धर्म के मानने वाला में इंसानियत नहीं है, नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है तो धर्मी नहीं हो सकेला। उकर में सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है वो धर्मी नहीं हो सकेला। ये सब जितना नाम है वो तो एक नाम है, लेकिन धर्म का सही परिभाषा सच्चाई, अच्छाई, नैतिकता, मानवता, इंसानियत है, ये है धर्म हम इनका। और आज सही मायने में अगर असली धर्मी कोई है तो हम आदिवासी मन के माने जाए। काहे कि आज जितना भी धर्म के माने वाला आज तुम्हें कोरोना काल के देखला सब कोई, कोरोना काल में कहा हम इनके बच्चे में मिलना, सब कोई कहा बोला ना कि मंदिर में भगवान होता है, मस्जिद में भगवान होता है, गिरजा में, गुरुद्वारा में। लेकिन अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में अगर भगवान रहे तो कोरोना काल में तो सबका दरवाजा बंद रहे तो हमें तो मर जाना चाहिए, है कि नहीं। हमें जिंदा कैसे है, हमें कैसे जिंदा है, ये प्रकृति खुला रहे जेकर माध्यम से हमें के शुद्ध हवा मिला रहे, हमें के आम धन खा के हमें जिंदा रहे। ये धरती का सीना चीर के जो पानी निकले वो पानी के पी के हमें जिंदा रहे। सेले आज आदिवासी समाज ये प्रकृति पूजक है, और आज से बैठो वैज्ञानिक का बड़ा बड़ा वक्ता बने, नेता मन बोलत है कि आज इस पर्यावरण में कोई संतुलन बना सकता है, कोई प्रकृति को बचा सकता है तो आदिवासी है। लेकिन ये बात कोई नहीं बोले ना, बिना आदिवासी का प्रकृति अछूता है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोई वक्ता, कोई वैज्ञानिक नहीं बोला था कि इस धरती को, इस प्रकृति को बचाने के लिए आदिवासियों का बचना जरूरी है। कोई बात बोले ना, नहीं बोले ना, सिर्फ आदिवासी के बचना जरूरी है। आज हम देश के पहले नागरिक है, ये बात के हम नहीं कहते, भारत के मूल निवासी इसके सुप्रीम कोर्ट में बोले, इस देश का मूल निवासी प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन केवल दूसर जगह साल है, आज सेवन का धर्म कोर्ट ने दबल के लगा, और आज हम इनका पुरखा मैंने शुरू से जे चीज के मान लें, जे प्रकृति के बचाव है, जेकर बिना हमें जीवन का कल्पना नहीं कर सकेगा, आज जो प्रकृति का रक्षक बन के धर्म कोर्ट से वंचित करा दिला। हम इनके धर्म कोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, आज जे मन का संख्या अंतिम समय में अपने मन के बताया था, जब धर्म कोर्ट जय धर्म मानने वाला मन के कितना संख्या में देवा देगा, मात्र 40,25,000 में। और उम्र कर आए थे पूरा देश में जनसंख्या कितना है, 44,00,000, और हमें झारखंड में कितना है, झारखंड से ही हमें 40,00,000 से ऊपर हमें 2012 का जनगणना में सरना धर्म को अंकित करके काम कर लिया नेता कोलम में। एक का जनगणना में देश के 21 राज्य में हमें करीबन 40,00,000 लिख रही, लेकिन 2012 का जनगणना में कितना लिखी, देश के 28 राज्य मिलाए तो 49,57,477 हमें जनगणना में अंकित गए थे। और एक मजबूत आधार के साथ में हमें धर्म कोड कर मांग के करा थी, और आज हम इन्हें किया कर पहला नागरिक होकर नाते हमें इधर हक और अधिकार है। लेकिन यह तरह तरह कर यह टोना देवाना, तरह तरह का तर्क देवाना कि पूरा देश में 700 पर आदिवासी का जनजाति है, एक नाम में सहमति होगा तो कोर्ट देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि आपने जो पहले 6 धर्मों को कोर्ट दिए हैं, हिंदू को दिए, जैन को दिए, बौद्ध को दिए, सिख के दिए, सारे लोग हिंदू धर्म के 4 पंथ में आते हैं, आपने 4ों को कोट दिया, तो मैं भी मांग करता हूं आपसे कि हमारे लोगों ने पूरे देश
धर्म को नाप देने का काम करोगे, है कि नहीं है? आज झारखंड प्रदेश धार्मिक मामले में पूरा देश के जगह का काम कर रहे हैं। आज अगर हम भील जनजाति का बात करें, पूरा देश में सबसे बड़ा जनसंख्या है आदिवासी का, लेकिन जनगणना में कितना निकला है? मात्र हजार में 16-17 हजार। दूसरा जनजाति है देश का, देश सबसे बड़ा जनजाति, दूसरा गोंडी जनजाति, वो कितना निकला? 10 लाख। और हमें कर आदमी कुछ मना आदिवासी धर्म निकलते आदि धर्म आदिवासी कितना निकला? पूरा देश में 86 हजार। और हमें कितना लिख ली? कोई मैं टोरा धर्म लिख देना, कोई गुंडा लिख देना, कोई सना माही लिख देना, कोई सरना धर्म लिख देना, कोई अलग अलग कोई गुंडा धर्म लिख देना, तो धर्म उड़ा मुंडा हो सकेगा क्या? बहुत कोई धर्म के तर्क देना कि पूरा देश में आदिवासी है तो आदिवासी धर्म होना चाहिए, तो कैसे होगा भाई आदिवासी धर्म? आदिवासी तो एक जनजाति है जिसमें हम लोग उड़ा भी आते हैं, गुंडा भी आते हैं, भील भी आता है, गोटी भी आता है, पूरा 700 जनजाति आता है। इसके साथ में जो लोग जैन धर्म को मानते हैं, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसमें भी आदिवासी है। इतना ही नहीं, जो लोग कश्मीर में मुस्लिम है उसको भी आदिवासी का दर्जा प्राप्त है, और जो लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए, जो कन्वर्ट हो गए, वो भी आदिवासी है। तो क्या आदिवासी धर्म मिलेगा? और लोग जाएगा और पूछेंगे कि कौन धर्म को मानते हो आदिवासी, और क्या हो तो बताने पाएगा नहीं। इसलिए सरना मेरा धर्म है, हम सरना धर्म की मांग करते हैं, और इसकी हम लोग लड़ाई लड़ना शुरू किए, जो हमारे पुरखों का चीर परिचित मांग था, इसे बढ़ते बढ़ते आपका मन सब को देखा कि 2020 में जे आंदोलन ठंडा हो जा रहे, उनके 2020 में हमने फिर से जलाने दिया के, और यह इतना बड़ा आंदोलन कर ली, मानव श्रृंखला हमें रांची झारखंड का राजधानी अहवा से हमें शुरू कर ली, और हुआ जब उकर हमें बाद में उकर हमने तो कहा कहने के बाद में बैठती बैठती उकर समीक्षा बैठक में हमें घोषणा कर ली कि 20 अक्टूबर 2020 को पूरे झारखंड प्रदेश में एक एक प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय अनुमंडल से लेके मुख्यमंत्री सचिवालय तक हम लोग एक जुलूस के सदन में जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे, जेकर में पूरी इतिहास बनाया गया। पूरा झारखंड में करीबन 40 लाख से ऊपर 20 अक्टूबर के निकल के हमें ज्ञापन दे, जेकर से झारखंड का मुख्यमंत्री भी घूम गया और झारखंड का उपराजधानी दुमका से उनके घोषणा करने पड़ल कि सरना धर्म कोड का बिल को पारित करने के लिए हम विशेष सत्र बुलाएंगे, और उस समय 11 नवम्बर 2020 के मुख्यमंत्री का द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया और विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके बिल के केंद्र भेजा गया। लेकिन उगर में भी नाटक कर रहा है कि मुख्यमंत्री ने भेजा है तो राज्यपाल का साइन नहीं हुआ। हम बोलना चाहते हैं कि अगर कोई राज्य पारित नहीं किया तो क्या हम सरना धर्म मानना छोड़ देंगे? आपको आदिवासी का आंकड़ा पता नहीं है? आपको जानना पड़ेगा कि देश में आज जिसने आपको बताया है उसका जनसंख्या आज 17 करोड़ हो जा रहा है। आज हम मानते हैं कि 17 करोड़ की आबादी में 2 से 3 करोड़ लोग अन्य अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं, लेकिन हम उन 14 करोड़ सरना आदिवासियों का धर्म कोड के लिए हम आज मांग करके आपको धर्म कोड देना होगा। तो अपने मन से एक बार आग्रह करा, एक बार जोरदार नारा अपने मन लगा, थोड़ा सा सबके मिल मिल हमने लगा के ऐसी लागत हो गई हम बात कर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे वीर बुद्ध वरेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे वीर बुद्ध वरेंद्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे हिंदू कैनो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे हिंदू कैनो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दुनिया दुनिया अमर रहे, अमर रहे, पुरखा मतलब संतान है। और आज तमाम अगुवाओं के नमन करेगा जे समय हमें तो व्यवस्था क्षति छाट हो जा रहे, उस समय में चिंतन मंथन कर रहे कि अब हम लोग कैसे अपना समाज को एक माला की तरह पिरोएंगे, कैसे सबको जोड़ेंगे। उस समय राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का गठन करना।